ऐसे नहीं करनी। फिर वही वाली गलती, ध्यान से किसी ने इसको बॉल मारने की कोशिश की है हमारे शाहीन को, और ध्यान से इसके अंदर कोई कीड़ा शीड़ा ना हो, चेक वेक कर लिया करो, ऐसे ना पहना करो। ओए ओए हो ओए, 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 दोस्तों भाई साहब, आप सबको क्या लगता है इंडिया और पाकिस्तान के फैंस के मरने से पहले क्या मैच शुरू हो जाएगा? बच्चा फुल फॉर्म में आया हुआ है, फुल पार्टी का पहले ही इंतजाम कर लिया है, पाकिस्तान और इंडिया का मैच स्टार्ट होने वाला है, अपनी छोटी सी टिड्डी के साथ बैठ गया है पार्टी करने के। टिड्डी बैली, अभी देखेंगे आज क्या होता है, पाकिस्तान वर्सेज इंडिया, इनमें से कौन जीतेगा? आपको क्या लगता है वैसे भाई साहब? ओह माय गॉड, ओहो हमारे बॉयज आ गए, आज पता लगेगा क्या होता है। खड़े हो जो, खड़े हो। जमीन शाद बाम, जाने सक बार, बाबर भैया। अरे तू खा रहा था बाबर भैया, फॉर्म में आ गए, आज पता लगेगा कि क्या होता है। ओहो हमारा शाहीन, शाहीन को ना मैंने फुल ट्रेनिंग दी हुई है कि किस तरह से बॉल करवानी है, आज का मैच आपने देखना है। वो चेक करो, अभी से प्रैक्टिस कर रहे हैं ये लोग। वो ऐसे नहीं करनी, फिर वही वाली गलती कर दी। नहीं नहीं, जितना भी समझा दो गलती वही करते हैं। खैर अपने बॉयज ही से हो जाता है, पाकिस्तान हो या इंडिया हो, दोनों ही अपने हैं, समझ रहे हैं ना। बट फिर भी स्पॉट पाकिस्तान को करना है, सारी सी बात है यार, पाकिस्तानी है बट है सारे ही अपने। जो प्लान मैंने बताया था ना, सेम वैसे ही करना है, ध्यान से। किसी ने इसको बॉल मारने की कोशिश की है हमारे शाहीन को, और ध्यान से इसके अंदर कोई कीड़ा शीड़ा ना हो, चेक वेक कर लिया करो, ऐसे ना पहना करो। थोड़ी सी हम भी पार्टी शाड़ी कर लें। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब जबरदस्त होंगे। आज की वीडियो ना बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है। वैसे भी आप सबको टाइटल से पता चल ही गया होगा, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच हो रहा है, देखते हैं कि कौन जीतेगा। वैसे तो सारे ही हमारे बॉयज हैं, बट हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, देखते हैं। पाकिस्तान जीतेगा, शाहीन आ गया, शाहीन अब शाहीन पहली बॉल पे रोहित को आउट कर देगा। चेक करते हैं शाहीन को, जो मैंने ट्रेनिंग दी थी, उसी ट्रेनिंग पे उतरता है या नहीं। शाहीन जानी, जैसे तुझे मैंने बताया था ना, वैसे ही बॉल करवानी है, आराम से। इतनी लंबी लंबी टांगे, कुछ भी हो सकता है, आराम से यार। ओ ये वाला फिर भी बेस्ट है, ये वाली एक्सरसाइज सही है। हमारे बॉय की इतनी लंबी टांग है, आपको पता है कभी भी कुछ भी हो सकता है मैच में, अल्लाह ना करे कि इंजरी हो जाए, देखते हैं कि क्या होगा। यार पता नहीं इसको क्या लगता है, इसको लगता है कि जब मैं खड़ा होता हूँ एक्साइटेड होकर, तब हमारा बंदा हारता है या वो अगला इंडिया वाले चौके छक्के मार लेते हैं। आप सबने कमेंट सेक्शन बताना ऐसे होता है कि नहीं होता। हुई हुई मैच शुरू होने वाला है, देख सकते हैं आप। हुई 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 वन, जो बहुत खतरनाक मैच हो रहा है, देखते हैं पहली बॉल पे क्या होता है। ये हमारा शाहीन आया, ये बॉल कराई, वेल डन रोहित, वेल डन, होता है चलता है। शाहीन यार जो चीज बताई है उसी तरह अमल करना यार, आप चाहते हो कि पहली ओवर में ही कोई ना कोई विकेट ले लो। बेचारे की शर्ट बाहर निकल आई थी, पहली बॉल करवाई है, अगले की बॉल इतनी ज्यादा फास्ट है, करवाते हुए शर्ट बाहर आ जाती है। जैसे भाई ने ट्रेनिंग दी थी ना, मैंने वही काम कर रहा है। ओए यार मर्दी है शाहीन, आया आया, ओए 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 मर्दी है यार, क्या कर रहा है। आज का मैच इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं क्या बताऊं, हर हाल में ऐसा ना हमने जीतना है। पहले खा जा, लगता है पहले ओवर में ही सारी की सारी इसकी पार्टी दी एंड हो जानी है, फिर और लाना पड़ेगा इंतजाम, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ही ना जीतने के लिए। बाबर भाई रिजवान को क्या बताया था, छक्का, छक्का हो गया यार, जाते जाते पहले ओवर की आखिरी बॉल में ही छक्का लगना था। खैर अभी मैच बढ़ा है आगे, यार देखो यार किस तरह से छक्का दे मारा है रोहित साहब ने। मना भी किया था शाहीन को कि ये वाली बॉल नहीं करनी, बड़ा बंदा उसको क्या कहे, क्या एक्सीलेंट टाइमिंग। अब हमारा नसीम बॉय आएगा, देखते हैं वो क्या करता है। मेरी जान आ गया, आय हाय 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 हाय, हमारा नसीम आ गया। अब देखते हैं पहले ओवर में जो दूसरे ओवर में क्या करेगा, बहुत क्रिटिकल मैच हो रहा है। ओए होए वो आया, ये आया, ओए ओए होए होए ओए, आउट हो गया, हो गया प्रीति दा,
और क्या क्या किया इसने हाथों में थी। चल खैर है, होता है, चलता है, नेक्स्ट टाइम। वैसे पहली बॉल कितनी जालिम कराई थी अगले ने, अभी गिल की गिलियां निकल आनी थी सारी की सारी। होए होए होए, बैठे बिठाए अपनी हमारे शाहीन साहब ने अपनी उंगली इंजर्ड ना कर ली हो, सब कुछ सही जा रहा था, पता नहीं क्या हो गया। आज काम बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, चौके पे छक्के मारे जा रहे हैं वो। फाइनली सुकून आया है, रोहित साहब हमारे आउट हो गए, अब कोहली आए हैं। शेबी भैया ने ना माहौल ही बना दिए, वैसे बोले यार तूने बहुत ज्यादा दी है, बट खैर आउट किया है ना, विकेट लिए, इतना तो चलता है। मैं तो मैच ही यार लिटरली ना, हमने फोन साइड पर रख के ब्लॉगिंग श्लॉगिंग छोड़ दी थी, साइड पर रख दी थी, बल्कि मैच भी देखने का दिल नहीं कर रहा था जो ये स्कोर हो रहे थे। एकदम से दोबारा टीवी आकर लगाया और देखा कि विकेट ले ली, बट इतने खुश होने की जरूरत नहीं है, इतनी जल्दी अभी भी कुछ भी हो सकता है, देखते हैं आगे क्या होता है। फाइनली हमारे जिगर का टोटा वापिस आ गया हमारा अफरीदी इंजरी के बाद, अभी मुझे लगता है इसी टाइम हमें अफरीदी की जरूरत थी और अफरीदी आ गया। आप क्या कहना चाहोगे? शुक्र है सही टाइम पर आया, अभी हमें अपने भाई की जरूरत थी, देखते हैं अब क्या होता है। यार ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, इन्होंने बहुत ज्यादा स्कोर बना दिए हैं, अभी भी कुछ भी हो सकता है, एक ही विकेट गई है, अल्लाह करे लाइन में ना विकेटों पे विकेट ठा विकेट गिरे तब भी कुछ हो सकेगा, देखते हैं। दोनों कैच हुए हैं, दोस्तों दिल मेरा इस टाइम ऐसे ऐसे धड़क रहा है, लगता है कुछ भी हो जाएगा। ये जो मैच में इन्होंने ज्यादा स्कोर बना लिए है ना, इनको भी हम रिकवर करते हैं जल्दी से, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। मैं तो दिल ही नहीं कर रहा था मैच देखने का, और घर में चिट्ठी कर और क्यूट है, सब लोग से भी सब्सक्राइब कर देना। गेट के भाई लोग कह रहे होंगे पता नहीं घर में क्या हो रहा है, इतना ज्यादा शोर वोर मचाया हुआ है, बड़ा सबको तो पता है ना, जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच है तो इस तरह मैं कह रहा हूँ गला खराब ना हो, हो सकता है भला। बाबर भैया आई लव यू, फोन रखने की देर होगी, उधर एक ना एक आउट हो जाएगा। दोस्तों आई डोंट थिंक तो कि कोई आज मैच होगा, आप सबके सामने ही इतना अच्छा मैच हो रहा था, मतलब इतना अच्छा भी नहीं, हमारे पाकिस्तान कैसे खेल रहा था वो तो आपने देख ही लिया है, बल्कि अच्छी बात है बारिश हो गई है थोड़ी बहुत, मतलब हमारे जीतने के चांसेस ही बढ़ गए। इंडिया ने वैसे बहुत ही अच्छा खेला है, हमारे पता नहीं पाकिस्तान को क्या हो जाता है, मतलब पहले इतना जबरदस्त खेलता है बट जब भी कोई बड़े मैचेस आ जाते हैं फाइनल के करीब पहुंच रहे होते हैं, बट कुछ कह नहीं सकते, अभी तो इस टाइम इमोशनल हो रहा हूं तो ऐसे कह रहा हूं, आखिर इंडिया भी अच्छी टीम है, कोई नॉर्मल टीम तो नहीं है ना, पाकिस्तान तो है शहजादे। खैर है देखते हैं आगे क्या होता है, अभी तो सस्पेंड हो गया बारिश की वजह से, पहले तो डिले हुआ था, अभी कुछ कह नहीं सकते क्या होता है, अगर हो गया तो वेल एंड गुड है, ना तो ना सही, देखते हैं आगे क्या होता है, होप फॉर द बेस्ट। अगर बारिश होगी तो फोन को पकड़ के व्लॉग को कंटिन्यू कर लेंगे, शुगल वुगल लगाएंगे, वरना वीडियो पर यहीं फुल स्टॉप लगा देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है ना तो इधर ही रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको जल्दी से दबा के ठा करके सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो का एम रखते हैं 100 लाइक तो होने ही चाहिए ना, आखिर पाकिस्तान भी अपना इंडिया भी अपना ही है यार। दोस्तों भाई तो आप सबको क्या लगता है, इंडिया और पाकिस्तान के फैंस के मरने से पहले क्या मैच शुरू हो जाएगा? मरने से पहले क्या बोले? ओ भाई क्या हो रहा है, एक्साइटमेंट लेवल इतना ज्यादा मजे का पीक पर था, बट जो बारिश हो रही है ना बंदा क्या कहे भाई, तो अच्छी बात है जो हमारे करतूत थे ना।